सीतामढ़ी में गांधी की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने पहनाया मास्क, मचा बवाल। सीतामढ़ी शहर के गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर बुधवार को असामाजिक तत्वों ने मास्क पहना दिया। हैरानी की बात यह है कि गांधी चौक पर पुलिस की ड्यूटी लगी रहती है, बावजूद इसके इस वाक्य पर किसी की नज़र तक नहीं गई। गुरुवार को यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शम्स नवाज को किसी ने मोबाइल फोन पर इसकी सूचना दी। ये कुछ शरारती तत्वों द्वारा कल 26 जनवरी के मौके पर गांधी चौक पे जो ये गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है उसका अपमान करने का प्रयास किया गया है मास्क लगाकर। अफसोस की बात यह है कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे सीतामढ़ी सदर थाना है और यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी होती है, लेकिन गांधी जी का ये अपमान इसलिए हो रहा है कि आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से गांधीवादी विचारधारा की हत्या करने की साजिश आरएसएस और बीजेपी रच रही है, ये उसी का हिस्सा है, ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। और 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र दिवस जब देश मना रहा हो और राष्ट्रपिता का अपमान हो रहा हो और प्रशासन सोई हुई हो, अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हो रहा है बिहार में। यह सीतामढ़ी के लिए, बिहार के लिए और पूरे देश के लिए शर्मनाक विषय है कि राष्ट्रपिता का अपमान मास्क लगाकर यहाँ पे कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया गया और प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी सीतामढ़ी युवा कांग्रेस निंदा करती है। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि तत्काल दोषी लोगों के खिलाफ तक कार्रवाई की जाए, इसलिए कि आने वाले दिनों में बार बार ये देखा गया है कि इस प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ तोड़फोड़ करने का प्रयास लोगों ने किया है। इस प्रतिमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो युवा कांग्रेस आंदोलन करने के लिए बात हो। मोहम्मद शम्स ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने 26 जनवरी को दोपहर में शहर के बीचों बीच स्थित गांधी प्रतिमा को मास्क पहनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। अफसोस है कि पुलिस कर्मी की ड्यूटी वहां हर समय होती है और आला अफसरों का आना जाना उस चौक से होता रहता है, लेकिन सभी इस बातों से अनभिज्ञ है या फिर जानबूझकर इस बातों पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। मैंने खुद वहां पहुंचकर स्वयं इसको देखा। फोटो डीएम सीतामढ़ी सुनील कुमार यादव एवं नगर परिषद के आयुक्त मुमुक्ष कुमार चौधरी को इसकी जानकारी दी। शम्स ने कहा कि गांधी प्रतिमा के सुरक्षा की जवाबदेही जिला प्रशासन की है। प्रतिमा की सुरक्षा के लिए अविलंब सुरक्षा के इंतजाम किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो।